देखिए बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो चल रहे हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, क्रिय विक्रिय का भाव है, और ऐसे में बृहस्पति महाराज यहाँ पर 9 अक्टूबर से करीब करीब 4 विशेष तौर पर फरवरी तक ये वक्र स्थिति में रहेंगे। ये वक्री स्थिति बृहस्पति की जो है, देखिए आमतौर पर कहा जाता है कि गोचर में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में चलें तो सब प्रकार से धन संपदा सब प्रकार से अच्छे योग बनते हैं। विश्व के सबसे बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों की यदि कुंडली आप किसी प्रकार से देखें तो बृहस्पति शुद्ध होकर जिसके भी बड़े बड़े आदमी होंगे द्वितीय भाव में उच्च का स्वग्रही होकर ऐसे योग बना रहे होंगे, और जिनके इस प्रकार के योग बनते हैं वो हमेशा यानी द्वितीय भाव में बृहस्पति हमेशा अच्छे माने जाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति जो है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्र स्थिति में रहेंगे। अब वक्रत्व जो है ना बड़ा विचित्र स्थिति बन जाती है, ग्रह जो है वो विशेष तौर पर कई गुना अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है जब वक्र स्थिति में जाता है। वक्री का मतलब ग्रह उल्टा नहीं है, आमतौर पर लोग समझ लेते हैं वक्री का मतलब उल्टे हो रहे हैं बृहस्पति। कई बार कई लोग जिस प्रकार से आज की तारीख में शोशे का जमाना है और लोग अपने कुछ भी बात को समझाने के लिए कुछ भी ऐसे टाइटल बना देंगे या किताब में कुछ आर्टिकल बना देंगे बृहस्पति, तो ऐसे में समझें कि बृहस्पति हो क्या रहा है। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है और आपकी राशि के अनुसार से तो समझें बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए बृहस्पति आपके दो भावों के, हर राशि में दो भाव के मालिक होते हैं, आपके भाग्येश भी हैं क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है, 12वां भाव व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है। यानी बृहस्पति आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति जन्मपत्री में उत्पन्न कर रहे हैं, आधे अच्छे हैं और आधे खराब हैं। ऐसे में वक्र स्थिति में बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से द्वितीय भाव में आपका योग बन रहे हैं, ये आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। और ऐसे में बृहस्पति को यदि आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाए ना तो ये कष्ट में फंसा सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने के उम्मीद में। यानी हल्का सा आप चीज़ों को समझने की बजाय, क्योंकि बृहस्पति जब वक्र स्थिति में होता है तो क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है व्यक्ति को लगता है। और मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर समस्या क्या है कि मेष राशि एक ऐसी राशि है जो मंगल प्रधान राशि है और मंगल के ही नक्षत्र में बृहस्पति महाराज वक्र स्थिति में चलेंगे। कब चलेंगे जी, वो भी आपको बता देते हैं। मृक्षरा नक्षत्र में चलेंगे और फिर रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे। तो मृक्षरा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में, इन्हीं में वक्र स्थिति बृहस्पति की प्राप्त होनी है द्वितीय भाव में चलते हुए आपकी राशि के अनुसार से, तो ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि बृहस्पति जब विचार के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, और ऐसे में बृहस्पति जब वक्री होंगे ओवर बहुत ताकत में आ जाएंगे, तो कई बार ऐसे लोग अपनी बुद्धि को ही सब कुछ मान लेते हैं और बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं पड़ती, भ्रम उत्पन्न में भ्रम जाल में फंस जाते हैं। और अब भ्रम जाल में फंसे तो धर्म से विमुख हुए तो भाग्य फंसा देगा कहीं ना कहीं। भाग्येश तो है बृहस्पति, लेकिन अगर आप अपने उस वास्तविक तौर पर इस बृहस्पति के वक्र स्थिति के भ्रम में फंस गए, अपने से बड़ा किसी को मानने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो ऐसे में सही जरूरत है बृहस्पति को विशेष तौर पर विचारों को समझने की, बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको अच्छे से समझने की। यदि आपने इस स्थिति को अच्छे से मैनेज कर लिया, देखिए क्या होता है कि आमतौर पर समझें ये बृहस्पति का जो वक्र भाव है क्या होता है, आप समझें कि ग्रह कई गुना अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। आपने गाड़ी के अंदर देखा होगा कि आगे चलाने के लिए तो गाड़ी में 3-3 4-4 5-5 गियर होते हैं, लेकिन बैक करने के लिए एक ही गियर होता है। अब फंसी गाड़ी जब होती है तो बैक गियर में लगाकर उसको कई बार शक्ति अकेला ही वो गियर ऐसा होता है शक्ति बन जाती है। तो इसी प्रकार से वक्र ग्रह बहुत ताकत में हो जाता है, और ऐसी ताकत को संभालने के लिए बहुत ज़रूरत है कि अपनी आँख नाक बिल्कुल बुद्धि विचार जो है हाथ पाथ सब कंट्रोल में रखें। कहीं ऐसे में क्या होता है कि जब शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए और कंट्रोल में ड्राइवर अच्छा कंट्रोल चीज़ों को ना कर पाए तो क्या होगा, चीज़ें विशेष तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। यही स्थिति है कि बृहस्पति, ये स्थिति को आपको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। और ये एक बात और समझें, हमारा विचार इसमें बड़ा एक और महत्वपूर्ण शोध करके हम बात रखते हैं आपके समक्ष में। जब ग्रह आप देखें इसे वक्री हो रहा है तो यानी जिन अंशों में ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें कि हम जी चुके हैं, जिस समय को हम जी चुके हैं उसमें बृहस्पति वापस जाता हुआ दिखाई देगा और फिर दोबारा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यानी हमको उन सब कामों में जो हम कर चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम महारत हासिल नहीं कर पाए, या कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से दो दो इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जहां बैठा है वो तो शुभ है, लेकिन उसकी दृष्टि बड़ी विचित्र है। समझे कि बृहस्पति जो दृष्टि आपके द्वितीय भाव में बैठकर सब गोचर में देख रहा है, एक वो देख रहा है छठे भाव को, एक वो देख रहा है अष्टम भाव को, एक वो देख रहा है दशम भाव को। छठा भाव फिर वही रिपु का भाव है, शत्रु का भाव है, अष्टम भाव बंधन का भाव है, और दशम भाव जो है जो नवम दृष्टि देख रहा है वो सफलता का भाव है।
तो आप यदि चीज़ों को हल्के से ले गए या कंट्रोल ना कर पाए तो ये सब चीज़ें, यानी तीन इंपॉर्टेंट प्रभाव जो हैं, जहाँ जैसा आपका बारहवें भाव का मालिक, छठे भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव पर दृष्टि, वो बंधन में फंसा सकता है, लाभ की जगह नुकसान करा सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इसमें खास उपाय भी हैं जो बृहस्पति को विशेष तौर पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे बढ़िया जो उपाय हम आपको बताएं, चने की दाल आपको मिल जाएगी घर में, थोड़ा सा भिगो लिया करें और रोज़ थोड़ी बहुत अपनी सामर्थ्य हो तो रोज़ जितनी आप हो सके तो गाय भी जहाँ भी दिखाई दी जाए गाय को खिला दीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बृहस्पति को ठीक करने का आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये चने की दाल का दान करना ब्राह्मणों को दे दीजिए। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मण के साथ है, बृहस्पति का संबंध ज्ञानी के साथ। अब कई लोग हीन भावना उत्पन्न कर लेते हैं, हमने कई बार लिखा चैनल के अंदर, हमने कोई उपाय बताया ज्योतिष, देखिए हमारी ज्योतिष जो है वास्तविक तौर पर पौराणिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम बात करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष को समझाने के लिए आम तौर पर समस्त जो विचार रखे गए हैं वो पौराणिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आज जो कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण को क्यों दूं भैया, अब ज्योतिष का संबंध जिस वर्ण के साथ है उसको वहां समझना पड़ेगा, ज्ञानी के साथ, बुद्धिमान के साथ, धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ, पढ़ाने वाले व्यक्ति के साथ, और ऐसी जगहों में, ऐसे संस्थानों में यदि आप कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ज्योतिष आज की तारीख में सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उसके हम पूरे जो प्राचीनतम उसका जो वर्णन है, आम तौर पर ज्योतिष को जो समझाया गया है वो पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराण शास्त्र इत्यादि में ज्योतिष के तमाम जितने भी हम उपाय निकलते हैं वो सबके सब वहीं से निकल कर आए, और उन सबको हमें समझने के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें ये कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी अपनी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को, सो कॉल्ड सोडो सेकुलरिज्म को यहाँ लाने का प्रयास करें, तो ज्योतिष को जिस प्रकार से है उसी प्रकार समझने की आवश्यकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने उसको आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया। ये बृहस्पति का मूवमेंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ख़ास तौर पर कई मामलों में यदि आप ठीक से उनको मैनेज कर पाए तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से इन तीन चार महीनों में आपको लाभ किस्ती, आप बहुत बढ़िया अपने कर्मों जितना बैलेंस होकर घोड़े की लगाम सही से, आप बहुत तेज चलने वाले घोड़े के ऊपर इस वक्त स्थित हैं मेष राशि वालों। ये चार महीने जो हैं विशेष तौर पर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं, ऐसे में आलस छोड़ दीजिए। देखिए बाकी सारे ग्रहों की स्थिति समझें, इन दिनों शनि महाराज भी आपके विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति हो, 15 नवंबर के बाद तो वो भी शक्ति में आ जाएंगे, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन उनकी दृष्टि, एक दृष्टि जो है वो आपके कहाँ पड़ने वाली है, लग्न पर पड़ने वाली, तो आपको अननेसेसरी हटी बना देगा। एक तो मंगल की राशि है आप, शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, और मंगल के ही नक्षत्र में विशेष तौर पर बृहस्पति का रहेगा, तो मंगल क्या है, बड़ा क्रूर ग्रह है, हठी ग्रह है, सेनापति है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ों को आप सही रूप में समझ कर कार्य करने का प्रयास करें। तो मेष राशि वालों, तो हम ये कहेंगे ये चार महीने आप थोड़े अलर्ट होकर चीज़ों को सही से समझते हुए, जिद में ना अड़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सही से मैनेज, नहीं तो संपत्ति का नुकसान करने के योग ये बना सकता है, खासतौर पर चीज़ों को आते हुए आपके हाथ से निकाल सकता है। सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बृहस्पति का। नित्यपति केसर का एक टीका, हल्दी का या टीका अपने माथे पे अवश्य लगाने का प्रयास करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, या भगवती सरस्वती का मंत्र नित्यपति जप करें, ओम क्लीं नमः, ये भगवती सरस्वती का मंत्र है, इसको भी जप करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊँचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं, कई हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है, हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं, और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएँ चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और वहाँ मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग
अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी, लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा, लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना, और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हजारों लोगों के साथ संबंध हुआ और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियां देखने को मिलती ही देखते ही रहते हैं, और जब देखने को मिलता है कई बार हजारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय है, सबसे बड़ी बात उपाय है, जिस किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नर्व्स को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है, सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नाही, ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है, बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें, तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता, अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हो जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100-100 रुपया, तो 100-100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उसका ब्याज चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है, और ये मूल जन्मपत्री समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई, और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए, ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रमाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें समझें तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर
प्रकाशित की गई हैं और नित्यपति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रमों में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, यज्ञ भी रहते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्यपति रुद्राभिषेक रहता है, और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में। आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब करीब 50-60 सालों से चली रही है और हजारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।